आखिर कौन सी तपस्या की थी लक्ष्मण जी ने? प्रभु श्री राम जी के तीन भाई अर्थात लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनकी सेवा करते थे। वे श्री राम जी को पिता समान मानते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। प्रभु श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी वनवास गए थे। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी में अघात प्रेम था। रावण के साथ जब महाभयंकर युद्ध हुआ था तब लक्ष्मण जी ने रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध किया था। लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत का वध कैसे किया था यह कथा अब हम सुनते हैं। प्रभु श्री राम जी जब रावण से युद्ध कर अयोध्या वापस लौटे तब उनसे मिलने अगस्त्य मुनि अयोध्या पहुंचे। दोनों में लंका में हुए युद्ध के बारे में चर्चा होने लगी। उस समय प्रभु श्री राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और अनुज लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि बोले, हे श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर रावण का पुत्र इंद्रजीत ही था। इंद्रजीत ने अंतरिक्ष में हुए युद्ध में इंद्र को बंदी बनाया और उन्हें लंका ले गया। ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब उसके दिए दान के कारण इंद्र मुक्त हुए। लक्ष्मण ने उसका वध किया और केवल वही उसका संहार भी कर सकते थे। अगस्त्य मुनि से लक्ष्मण की वीरता की प्रशंसा सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही वे अचंभित भी हुए। उन्होंने अगस्त्य मुनि से पूछा, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण ही इंद्रजीत का वध कर सकता था? तब अगस्त्य मुनि ने बताया, हे प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख नहीं देखा हो, जिसने 14 वर्ष तक भोजन न किया हो। प्रभु श्री राम जी बोले, परंतु मुनिवर, मैं वनवास काल में 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल उसे देता रहा हूँ। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था, बगल की कुटी में लक्ष्मण का निवास था, तो सीता का मुख भी ना देखा हो और 14 वर्ष तक सोए ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम की सारी बात समझकर अगस्त्य मुनि मुस्कुराए। श्री राम जी स्वयं भगवान थे, उन्हें लक्ष्मण के बारे में सब पता था, परंतु वे चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता के बारे में अयोध्या की प्रजा को भी ज्ञात हो। प्रभु श्री राम जी के मन की बात समझकर अगस्त्य मुनि बोले, आपने योग्य सुना प्रभु, लक्ष्मण के अलावा कोई और इंद्रजीत को नहीं मार सकता था। इंद्रजीत के वध के बाद महाराज विभीषण ने भी श्री राम से कहा था कि रावण के पुत्र इंद्रजीत का वध देवताओं के लिए भी संभव नहीं था, उसे तो केवल लक्ष्मण जी जैसा कोई महायोगी ही मार सकता था। अगस्त्य मुनि ने श्री राम जी से कहा कि क्यों ना लक्ष्मण जी से ही यह बात पूछी जाए। लक्ष्मण जी आए तो श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण, आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु बोले, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? तुम्हें खाने के लिए फल दिए गए, फिर भी तुम 14 वर्ष बिना भोजन किए कैसे रहे और तुम 14 वर्ष तक सोए भी नहीं, यह कैसे हुआ? तब लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋषिमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उसके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा, मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में लक्ष्मण जी ने बताया, आप और माता एक कुटिया में सोते थे, मैं रात भर बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करता था। निद्रा देवी ने मेरी आंखों पर पहरा करने का प्रयास किया तो मैंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्षों तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी, परंतु जब श्री राम जी का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय नींद के कारण मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं वन से फल फूल लाता था तब आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण, ये फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा, तो आपकी आज्ञा के बिना मैं उसे खाता कैसे? मैंने उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई लेकिन 7 दिनों के फल कम थे। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि तुमने 7 दिन का आहार लिया था? तब लक्ष्मण जी ने बताया, प्रभु, जिस दिन पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली हमने आहार के लिए फल नहीं लाए। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया उस दिन भी हमने आहार नहीं किया। जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे उस दिन भी
हमने आहार नहीं लिया। जब इंद्रजीत के नाक पाश में बंद कर हम दिन भर अचेत रहे, उस दिन और जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता का सिर काटा था, उस दिन हमने शोक के कारण आहार नहीं लिया। इसके अलावा जिस दिन रावण ने मुझ पर शक्ति से प्रहार किया और जिस दिन आपने रावण का वध किया, यह दोनों दिन भी हमने आहार नहीं किया। इन 7 दिनों में हम निराहार रहे, इस कारण 7 दिनों का आहार कम है। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम जी से कहा, मैंने गुरु विश्वामित्र से एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था। इससे बिना अन्न ग्रहण किए भी व्यक्ति जीवित रह सकता है। उसी विद्या से मैंने भी अपनी भूख नियंत्रण की और इंद्रजीत को मारा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।